ये 9216 सीरीज का एंड्रॉयड कार स्टूडियो है और इस प्लेयर में पिन लॉक लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, और इसका पिन मैं भूल चुका हूँ या आपके केस में पैटर्न लॉक भी लगा हो सकता है। यदि आप पिन या पैटर्न भूल चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी एंड्रॉयड कार स्टूडियो में न्यू स्टॉक रोम की हेल्प से किस टाइप से फ्लैश करके अनलॉक किया जाता है। यदि आपके पास इसके अलावा भी कोई भी एंड्रॉयड कार स्टूडियो है जिसमें पिन या पैटर्न लगा हुआ है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम की हेल्प से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है मेरा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं पड़ता है किसी भी एंड्रॉयड कार स्टूडियो में कौन सी स्टॉक रोम इंस्टॉल होगी तो आप इस ट्यूटोरियल का पार्ट टू ज़रूर देखें, और इस पार्ट टू वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है किसी भी एंड्रॉयड कार स्टूडियो में कौन सी स्टॉक रोम इंस्टॉल होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये दिखाया था इस प्लेयर का कि इसमें YT9216BJ 1GB रैम 16GB रोम की स्टॉक रोम इंस्टॉल होगी। तो मैंने यहाँ पर इस बोर्ड को बॉडी से बाहर निकाला हुआ है, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी टू साइडेड मेल USB कनेक्टर, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने सोल्डिंग करके बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हो। और एक एंड्रॉयड की 4-पिन USB कनेक्टर, ये आप देख सकते हो, एक साइड में फीमेल कनेक्टर USB कनेक्टर और एक साइड में 4-पिन कनेक्टर है, जिसमें USB कनेक्टर को मेल टू फीमेल इंसर्ट कर देना है। देन 4-पिन कनेक्टर को एंड्रॉयड कार स्टूडियो की बोर्ड में मदरबोर्ड में इंसर्ट कर देना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो इसको प्रॉपरली इंसर्ट करना है। देन इसको कंप्यूटर से इंसर्ट करना है, तो इससे पहले कुछ स्टेप को करना है। सबसे पहले स्टॉक रोम को एंड्रॉयड कार स्टूडियो में इंस्टॉल करने के लिए फ्लैश टूल को ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इस लोकेशन पर फ्लैश टूल को रखा हुआ है, ATC फ्लैश टूल, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्केटर फाइल को सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर चूज पर ओके करना है। चूज पर ओके करने के बाद आप जिस लोकेशन पर स्केटर फाइल को रखे हुए हो स्टॉक रोम की लोकेशन पर जाना है, और यहाँ पर जो मेरा प्लेयर है YT9216BJ इसकी स्केटर फाइल को चूज कर लेनी है। देन यहाँ पर आप ध्यान देना प्री लोडर, इसको आप अनटिक कर देना यदि टिक किया हुआ होगा। देन डाउनलोड पर ओके कर देना है। डाउनलोड पर ओके करने के बाद आप USB को कंप्यूटर से इंसर्ट करना। यहाँ पर मैंने ये जो USB है जो कि एंड्रॉयड कार स्टूडियो से लगी हुई है इसको कंप्यूटर से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड प्लस 0%, इस टाइप से कुछ टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको MediaTek ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, और इस प्लेयर का स्टॉक रोम की डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसकी स्टॉक रोम को डाउनलोड कर सकते हो। और यदि किसी दूसरे प्लेयर का स्टॉक रोम आपको चाहिए हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना,
जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रही है फ्लेशिंग करने में तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर डाउनलोड होके इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद इसको 4-पिन कनेक्टर को बाहर निकाल लेनी है, देन इसको मदरबोर्ड को फिट कर देना है। ये एंड्रॉयड कार स्टूडियो को असेंबल कर लेनी है, इसकी डिस्प्ले टच वगैरह। यहाँ पर एंड्रॉयड कार स्टूडियो असेंबल हो चुकी है, तो मैं इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने पावर कपलर को लगाया एंड्रॉयड प्लेयर से, देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लेयर ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रॉयड कार स्टूडियो का होम पेज आ चुकी है और यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है, ये पूरी तरीके से अनलॉक हो चुकी है और इसकी थीम भी चेंज हो गई है जो कि काफ़ी ऑसम है। और ये स्पीड भी पहले से इंक्रीज कर गया है। अब मैं इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये एंड्रॉयड YT 9216BJ, ये इसमें स्टॉक रोम हमने इंस्टॉल किया जिससे ये प्लेयर अनलॉक हो चुकी है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।